भाइयों और बहनों, आज जब यहां रेवाड़ी में आया हूं तो छह वर्ष पहले के वो संकल्प में हरियाणा को और देश को याद दिलाना चाहता हूं। जो यहां हजारों पूर्व सैनिकों के बीच मैंने लिए थे, और अगर किसी को रुचि हो बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए लोगों को भी अगर रुचि हो तो इंटरनेट पर मेरा वो भाषण आज भी मौजूद है, कोई भी देख सकता है, कोई भी उसे सुन सकता है, पढ़ सकता है। और तब तो मैं एक राज्य का सिर्फ मुख्यमंत्री था, अभी तो उम्मीदवार बन के आया था, पहली सभा कर रहा था, दिल्ली से सारा मीडिया आकर के यहां खड़ा हो गया था। लोगों को था ये गुजरात के कोने से आया हुआ इंसान यहां क्या बताएगा, क्या कहेगा, क्या करेगा। लेकिन मैं रेवाड़ी की धरती को फिर से एक बार प्रणाम करते हुए उसे स्मरण करना चाहता। और तब मैंने कहा था कि दिल्ली में सक्षम और समर्थ सरकार ही देश को सुरक्षा दे सकती है। पांच साल में भारत को सक्षम और समर्थ सरकार देने का मैंने रेवाड़ी में वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी ताकत से जवाब देना, क्या आज सक्षम और समर्थ सरकार है कि नहीं है? मैंने जो वादा किया था निभाया कि नहीं निभाया? आज देश में दमखम नजर आता है कि नहीं आता है? भाइयों बहनों, तब मैंने कहा था भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए, ये मेरे शब्द हैं उस दिन के। तब मैंने कहा था भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो दुनिया से आंख से आंख मिलाकर के बात करे। आप मुझे बताइए, क्या ये संभव हुआ है कि नहीं है? हुआ है कि नहीं है? आज हिंदुस्तान आंख झुका करके नहीं, आंख मिला करके बात करता है दोस्तों। साथियों, तब मैंने ये कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए सशक्त सरकार, सशक्त नेतृत्व, सशक्त सेना और सशक्त देश बनाना जरूरी है। आप मुझे बताइए, ये सही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीर के बाहर हिंदुस्तान में आए दिन बम धमाके होते थे, बंद हुए कि नहीं हुए? हिंदुस्तान ताकतवर नजर आता है कि नहीं आता है? आज आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। मारा जाता कि नहीं मारा जाता है? आप खुश हैं? मैं वादा निभाता हूं, आज आतंक को पालने पोसे वाले दुनिया में जा जा करके आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। कल हमें डराते थे, वो आज डरे हुए नजर आते हैं। आज भारत की सेना सशक्त हुई है या नहीं है? हुई है कि नहीं हुई है? भाइयों और बहनों,
हमारे सेना के जवानों को, हमारे अर्धसैनिक बलों को वो दिन याद कीजिए, ढंग के कपड़े जूते तक नहीं मिलते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफल तक की कमी थी। सरकार के आने के बाद हमने सेनाओं के सशक्तिकरण का बड़ा अभियान शुरू किया। आज आधुनिक पनडुब्बियां से लेकर राफेल जैसा आधुनिक लड़ाकू का विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टर तक हमारी सेना का हिस्सा बन चुके हैं। भाई, भारत की शान लड़ाकू विमान तेजस को पहले की सरकार डिब्बे में बंद करने जा रही थी, आज वही विमान वायुसेना और नौसेना में सेवा देने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का भी हमने निर्माण किया, सैनिकों तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, अब विदेशों में भी हम निर्यात करने लगे हैं। 5 अगस्त को, 5 अगस्त को एक और ऐतिहासिक फैसला हो गया। रेवाड़ी की हरियाणा की वीर भूमि से ये भी मांग निरंतर उठती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों में दम नहीं था। पांच अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त को क्या हुआ, 370 35 से चली गई। कांग्रेस की सरकारें आतंकवादियों और उग्रवादियों की धमकियों के सामने कांपती थी, डरती थी। उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बेटियां, वहां रहने वाले दलित समाज के लोग, देश भर के हमारे वीर जवानों को, वीर माताओं की उनको जरा भी चिंता नहीं थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकार कांग्रेस की और ऐसे ही उनके साथीदारों की, वो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता में लगे थे, कश्मीर की चिंता उनको थी नहीं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए दोस्तों, कश्मीर की तरफ नजर करोगे, एक एक मोड़ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली की बैठी हुई सरकार ने कश्मीर के लोगों के साथ कैसा कैसा धोखा किया है, देश के करोड़ों लोगों के साथ कैसा धोखा किया है, देश के लिए शहीद होने वाले वीरों की माताओं के साथ कैसा धोखा किया है। 1947 में देश आजाद हुआ, अभी तो आजादी का जश्न मनाना बाकी था, और उसी समय दिल्ली की सरकार में दम नहीं है इसका हिसाब लगा करके अभी तो नया नया पैदा हुआ पाकिस्तान, इतना छोटा पाकिस्तान, उसने कबाइलों को भेजा और कश्मीर का कुछ हिस्सा हमसे छीन लिया, कब्जा कर लिया। ये तो अच्छा हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की हिम्मत थी कि बाकी बच गया। देश को अंधेरे